देखना चाहिए। आप लाइफ में कोई भी काम करते हो तो उसका एक मकसद होना चाहिए, सिर्फ वेस्ट के लिए या ऐसे ही के लिए कुछ भी मत करो। कुछ करो तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो पहला बेनिफिट जो आप लोगों को मिलने वाला है स्पोर्ट्स में सुनने से, अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर हो, समझ रहे हो, तो आप अपने डायरेक्ट हीरो से सीख सकते हो। डायरेक्ट हीरो से सीख नहीं सकते, एक्चुअली आप इंजॉय कर सकते हो। स्पोर्ट्स लवर लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और दिन भर की थकान से अगर कोई मैच पता चल जाए कि हाँ आज कोई लाइव मैच है, तो उनके एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बोलते हैं वाह आज शाम को तो मज़ा आएगा, मैं एक्साइटेड होऊंगा, खुश होऊंगा और जोश दिखाऊंगा। एक क्रिकेट लवर ऐसे ही होता है, जब टीवी के सामने कोई बैठा होता है आपने खुद देखा होगा। तो दूसरा बेनिफिट, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, किसी भी स्पोर्ट में जाना चाहते हो, तो अगर आप ये पता कर लोगे कौन सा मैच कहाँ लाइव है और कितने बजे है, तो आप डायरेक्ट अपने हीरो से सीख सकते हो। सोचो आप विराट कोहली से क्रिकेट सीख सकते हो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो से फुटबॉल सीख सकते हो, बड़े बड़े अपने डायरेक्ट हीरो से सीख सकते हो। ऐसा तभी तो होगा जब पता होगा कौन सा मैच कहाँ लाइव है, ज़्यादातर जगह ये मिलता ही नहीं है। तो ये है दो बेनिफिट, और आप बात करते हैं क्रिकेट की। यार इसके अलावा बात करेंगे अनदर बुंदेसा लीग लाइव मैच की, और वो चल रहा है। बीयर लेवर्सकर वर्सेस हॉफिनेम के लिए बात करें अनदर बुंदेसा लीग की, ऑसबर्ग वर्सेस मेंस बात करें अनदर बीएफबी स्टुटगार्ट वर्सेस एससी फ्रैंकफर्ट, बात करें अनदर मैच बुंदेसा लीग की बीपीएल वुल्फ्सबर्ग वर्सेस सच लेक। इसके अलावा बात करें अगर रिजल्ट की, तो आप फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई एंजॉय कर सकते हैं बिटवीन इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, क्लास स्मैकडाउन आप एंजॉय कर सकते हैं, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट खेला गया था उसके हाईलाइट देख सकते हैं। सुनील लिप्पा बड़ी आसानी से विदाउट सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा आप खो खो की हाईलाइट देख सकते हैं बिटवीन मुंबई खिलाड़ी वर्सेस चेन्नई क्विक गन्स। अनदर हाईलाइट आप इंजॉय कर सकते हैं खो खो का, राजस्थान वॉरियर फोर्सेस जगरनट्स उड़ीसा। अब गाइस बात करते हैं अपने मेन सेगमेंट की, जो कि है WWE। काफी मजा आने वाला है। WWE में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है WWE में मेन इवेंट देखना मत भूलना, क्लैश ए एट द कर्शल, बहुत ही खतरनाक टूर्नामेंट होने वाला है, बहुत मजा आएगा। बात करें WWE रिजल्ट की, तो एज डिस्कस हिज लव फॉर द लाइव थिएटर ऑफ स्पोर्ट्स, रियो वर्सेस फिनले के बीच में मैच देखने को मिला। इसके अलावा स्मैकडाउन 1200 वाओ, ओहरा नाउ ऐसे ऐसे हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्मैकडाउन देखने को मिला एनएक्सटी रॉ, और हमेशा की तरह खतरनाक खतरनाक मैचेस। वैसे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी आगे बढ़ी, काफी
इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके बीच देखना ये। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की, और